हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं सॉफ्ट और मुंह में घुल जाने वाली लौकी के कोफ्ते की रेसिपी बताने वाली हूँ। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने लौकी को छील करके अच्छे से धो लिया है और उसके सारे बीज भी हटा दिए हैं। अब हम सारे लौकी को कद्दूकस कर लेंगे। मैं छोटे छेद वाला कद्दूकस ली हूँ। आप चाहें तो इससे मोटे छेद वाले भी कद्दूकस आते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। देखिए, हमें इस तरीके से कद्दूकस करना है। मैंने पतला वाला जाली लिया था, इसलिए इसके लच्छे बहुत पतले पतले आए हैं। इसी तरह सभी को कद्दूकस कर लेंगे। सारे लौकी कद्दूकस हो गए हैं। अब हम इसे ऐसे ही 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे और फिर इसका पानी पूरा निकाल लेंगे। चलिए अब हम इसके लिए यूज़ होने वाले मसाले देख लेते हैं। मैंने 12 से 15 लहसुन की कली ले लिया है, ये 1 इंच अदरक का टुकड़ा, ये थोड़ी सी दालचीनी, लौंग, जीरा, काली मिर्च और मोटी इलायची है, ये खड़ा वाला धनिया है, ये 3 प्याज हैं, 2 टमाटर और सूखी लाल मिर्च है। सबको ग्राइंडर में डालकर अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। अगर ज़रूरत पड़ी तब पानी का इस्तेमाल करेंगे, नहीं तो पानी नहीं डालेंगे। ये मैंने सारे मसाले को ग्राइंड कर लिया है। सारे मसालों को अच्छे से चिकना होने तक ग्राइंड करना है। ये कद्दूकस किए हुए लौकी है, उसका सारा पानी मैंने निकाल लिया है। अब इसमें मैं आधी चम्मच हल्दी, थोड़ी सी धनिया पाउडर और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, इसको डाल रही हूँ। इसमें अब हम बेसन डालेंगे। मैं 3 चम्मच बेसन डालूँगी इसमें। बेसन हमें ज़्यादा नहीं लेना है, हमें केवल बाइंडिंग के लिए ही बेसन चाहिए। ये सूजी है, इसको भी मैं 1 से 1.5 चम्मच ले लूँगी। अब सबको मिक्स कर लेते हैं। बेसन और सूजी इतना डालें कि ये अच्छे से बाइंड हो जाए और एक्स्ट्रा पानी ना रहे। अब हम इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक लेंगे और सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए, हमारा मिक्सचर तैयार हो गया है। मैंने ज़्यादा बेसन भी नहीं डाला है, इसमें इसके लच्छे साफ नज़र आ रहे हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और पानी भी नहीं दिख रहा है इसमें बिल्कुल भी। हमें कोफ्ते के लिए ऐसा ही मिक्सचर चाहिए। अब हम इसके छोटे छोटे कोफ्ते बना लेते हैं। मैं कोफ्ते को गोल ना बनाकर थोड़ा चपटा बना रही हूँ, इससे कोफ्ते अंदर तक सिक जाते हैं और इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब हम सबको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेते हैं। कोफ्ते बनाते समय पानी का यूज़ बिल्कुल ना करें, नहीं तो ये अंदर से गीले रह जाते हैं। लौकी के कोफ्तों को मीडियम फ्लेम में ही फ्राई करें। हमारे कोफ्ते फ्राई हो गए हैं, इसे अब हम निकाल लेते हैं। इसी तरीके से हम बाकी के कोफ्ते भी बना लेंगे। हमारे सारे कोफ्ते बन गए हैं, इसको अब हम अलग रख लेते हैं। सबसे पहले हम इसकी ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। इसके लिए गरम तेल में हम तेज पत्ता डाल देंगे और सारे मसाले जो हमने पीस लिए थे वो सब डाल देंगे और सबको अच्छे से भूनेंगे। हमें इन मसालों को भूनते हुए लगभग 5 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें सूखे मसाले डालेंगे। इसके लिए मैं 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर ले रही हूँ, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1.5 चम्मच धनिया पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार। सबको मिक्स कर देंगे और इसको अच्छे से भूनेंगे।
अब इन मसालों को तब तक भूनना है जब तक मसाले तेल न छोड़ने लग जाए। हमारे मसाले भून गए हैं, अब हम इसमें पानी डालेंगे। इसमें मैं 1.5 गिलास पानी डाल रही हूँ। ग्रेवी अभी पतला है, इसे अब हम बॉईल होने देंगे। ग्रेवी में बॉईल आ गया है, अब हम इसमें सारे कोफ्ते डाल देंगे और इसे थोड़ी देर ढककर पकाएंगे। हमारे कोफ्ते तैयार हैं। कोफ्ते बहुत ही सॉफ्ट हो गए हैं। इसकी ग्रेवी अभी पतली लग रही है, मगर जैसे ही हम गैस ऑफ करके रखेंगे तो 10 मिनट में एकदम गाढ़ी हो जाएगी। कोफ्ते बन गए हैं, अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। लौकी के कोफ्ते अगर आप भी इसी तरीके से बनाएंगे तो आपके भी कोफ्ते बहुत ही सॉफ्ट और मुंह में घुल जाने वाले बनेंगे। कोफ्ते के इस रेसिपी को आप भी अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिए। एक नई रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं।